हर मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, तो मिट्टी के अनुसार पौधे को जितना चाहिए अगर नहीं मिल पाता है तो असंतुलित होता है। और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी है, किस मिट्टी में कितनी प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं, कौन सा कमी है, कौन सा ज़्यादा है, वो हमें पहले जांच के द्वारा ही पता चलता है। तो ये पहले जांच करके हमें मिट्टी को पहले सुधारना होगा, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो हमें नहीं डालना है, और अगर बहुत कम है तो हम उसको कितनी मात्रा में डालना है, ये बहुत जानकारी होना चाहिए, किसान को ये जानकारी होना चाहिए। और जांच जैसे हमारे हर लैब होते हैं, जैसे राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ आप जांच भी करा सकते हैं और उससे आपको पता चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी अगर खाद अगर ज़्यादा डाल देते हैं, मान के चलिए हमें जांच नहीं करके हम खाद डालते हैं, यूरिया अगर ज़्यादा डाल देते हैं, तो यूरिया ज़्यादा डालने से हमें क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए जैसे बढ़वार होता है पौधे, नाइट्रोजन क्या होता है कि बढ़वार के लिए पौधे को चाहिए, अगर ज़्यादा बढ़वार हो जाता है तो पौधा मुलायम हो जाता है, और मुलायम होने से उसमें कीड़ा का प्रकोप होता है, जैसे ज़्यादा मुलायम हो जाएगा तो उसमें कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो ये इम्बैलेंस हो गया, ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन हो गया। तो उसी हिसाब से खाली फॉस्फोरस हम डालेंगे, खाली DAP डाल देते हैं या यूरिया अगर हम नहीं डालेंगे तो उसमें भी हमारा इम्बैलेंस होगा। जब भी हम इम्बैलेंस होता है पौधे में तो कीड़ा का प्रकोप और जो भी है बीमारी होता है ये सभी बढ़ जाता है, उसके चलते हमारा पौधा जो है जितना पैदावार होना चाहिए उतना नहीं दे पाता है, उसके चलते हमारा पौधा हमारा जो यील्ड है जो मार्केटेबल यील्ड जैसे होता है वो नहीं कर पाता है, किसान उसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। और साथ ही साथ ज़्यादा अगर हम खाद डालते हैं, जैसे मैं यूरिया की बात कर रहा, ज़्यादा अगर हम खाद डालते हैं तो हमारा जो भूगर्भ में जो जल है वो हमारा जो नाइट्रोजन जैसे नाइट्रेट पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं वो हमारा भूगर्भ में चला जाता है और पानी भी खराब हो जाता है, वो पीने के लायक नहीं होता है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो उस एरिया में ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से हमारा जो भूगर्भ का जो जल हो गया है वो बहुत सारे लीचिंग लॉसेस होता है और उससे पानी खराब हो जाता है, पीने लायक नहीं हो पाता है। तो इससे हम लोगों को जो ह्यूमन बींग है जो हम आम परेशानी होता है कि हमारा जो पानी भी खराब हो जा रहा है, मिट्टी भी वो ज़्यादा डालने से खराब हो रहा है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए मिट्टी जांच जरूरी है और साथ ही साथ जैविक खाद भी हमें डालना है। इस अगर हम मिट्टी अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में हमारा अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी में ये परेशानी होता है कि हमारा pH बहुत ही कम रहता है, और झारखंड में देखा जाएगा तो 4.5 से लेके 5.5 के बीच हमारा pH होता है, और इस pH में नाइट्रोजन की हमारे बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, फॉस्फोरस भी कम मिलता है, पोटाश भी कम मिलता है। तो ये जांच के द्वारा पता चला है कि हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश ये सभी इम्बैलेंस है इस झारखंड के मिट्टी में, तो हमें इसके लिए जैविक खाद भी हमें डालना पड़ेगा, साथ ही साथ यूरिया जितना जो फसल हर फसल में अलग अलग खाद की ज़रूरत अलग अलग होता है, तो खाद के मतलब फसल के अनुसार हमें खाद डालना जरूरी है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, मान के चलिए धान आप खेती करते हैं, अगर नाइट्रोजन उसमें 80 kg जैसे हमें चाहिए, तो अगर हम 80 kg अगर मिट्टी में पहले देखना होगा कि मिट्टी में हमारा नाइट्रोजन कितने उपलब्ध है, अगर जितना उपलब्ध होते हैं अगर उससे कम है तो हमें अगर 80 kg जो पौधे को चाहिए, जो धान के पौधे को चाहिए, अगर हमारा मिट्टी में भी पता चल रहा है कि डेफिशियंट है माने कम है, तो हमें 80 जो नाइट्रोजन हमें जो चाहिए उसे 25% हमें ज़्यादा करके डालना है। अगर हम कोई भी अगर जांच से पता चलता है कि मान के चलिए पोटाश अगर जांच से पता चला है कि ज़्यादा मात्रा है, जो उपलब्ध जो पोटाशियम होना चाहिए उससे हमें ज़्यादा है, तो जो फसल का जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर तो 40 kg मान के चलिए, अगर 40 kg अगर पोटाश पौधे को चाहिए तो हम 25% उसमें कम करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जांच से पता चला है कि उपलब्ध जो पोटाश है उससे ज़्यादा है, तो हम उससे कम या ज़्यादा करके हम डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम बैलेंस अगर डालते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश, ये तो मुख्य पोषक तत्व की बात किया, उसके साथ साथ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं जैसे बोरन हो गया, जिंक हो गया, इस मिट्टी में हमारा जो झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी में ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जिंक और बोरन ये हमारे जितना भी फलदार पौधा हो गया, सब्जी हो गया, खेती करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे किसान भाई आप लोग देखा होगा कि जो बोरन का अभाव में क्या होता है कि जैसे फूलगोभी में हमारा ऊपर में जैसे पत्ता आ जाता है और काला काला धब्बे ये सब हो जाते हैं, तो ये सभी बोरन की अभाव से होता है, और इस मिट्टी में बोरन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो बोरन का प्रयोग भी उसी हिसाब से हमें करना है, स्प्रे करके करना है। और अम्लीय मिट्टी में
हमें अगर मिट्टी में डालते हैं तो फायदा नहीं होगा। जब तक हम उसमें फोलियर एप्लीकेशन अगर करते हैं, मतलब सिंचाई, मतलब ऊपर से ही आप स्प्रे करते हैं, तब जाके फायदा होता है। पीएच, जैसे हम बहुत सारे पदार्थ हैं, चूना पदार्थ डाल के पीएच को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं, या चूना पदार्थ किसान भाई आप लोगों के पास अगर नहीं है तो हमें, हमारे पास एक पौधा है टेप्रोसिया हम बोलते हैं, वो टेप्रोसिया का जो पत्ता अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा पीएच को मेंटेन करता है, मिट्टी में जो पीएच होता है उसको घटने नहीं देता है। टेप्रोसिया में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होते हैं और कैल्शियम जो ज़रूरी होता है हमारा पीएच को नॉर्मल करने के लिए, तो ये टेप्रोसिया एक ऐसा पौधा है कि हमारा ये पीएच को नॉर्मल कर सकता है, हमारा मिट्टी इससे सुधर सकता है और हमारा पोषक तत्व संतुलित उससे हो सकता है।